मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अंबेडकर नगर को दी करोड़ों की सौगात। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जनपद अंबेडकर नगर के एनडी कॉलेज में निर्धारित समय से लगभग डेढ़ घंटे देरी पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के मंच पर चढ़ते ही शंखनाद से उनका स्वागत किया गया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बढ़ते हुए क्रम में मुख्यमंत्री ने जनहितकारी 273 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनपदवासियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस बसपा सपा को आड़े हाथों लिया और बगैर नाम लेते ही कहा कि कुछ लोगों ने जाति के नाम पर केवल परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, किंतु भाजपा ने सबको सम्मान और सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सीएम ने संबोधन में गोवंश पर भी चर्चा करते हुए गोवंश और उसके उद्धार हेतु योजनाओं की जानकारी देने का काम किया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम प्रकार की योजनाओं के बारे में बखान किया। वहीं कहा कि 2022 तक प्रदेश के हर गरीबों के पास अपना खुद का एक आशियाना होगा। हर गरीब के पास शौचालय, मकान, बिजली कनेक्शन और गैस का कनेक्शन भी होगा। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में 5060 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया और फिर कार्यक्रम के अंत में जय श्री राम के नारे से अपनी वाणी को विराम दिया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट अम्बेडकर नगर से सर्वेश गुप्ता के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और इस समय हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिला के एनडी कॉलेज में, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और एक विशेष कार्यक्रम यहां पर अभी थोड़ी ही देर पहले संपन्न हुआ है करने का काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था बीते 5 वर्षों से लेकर वर्तमान की जो सरकार भाजपा की है, सारी योजनाओं में जितने भी खूबियाँ थी उसका खूब अच्छे से बयान किया है और अपील किया है कि इस बार की तरह हर बार पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो और जो भी योजना इस समय भारत के अंदर चल रही है उन सब का बखूबी बयान करते हुए यहाँ प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो 273 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने हमने भी इस बात को पहले कहा कि करप्शन और क्राइम पर सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करेगी और अगर कहीं कोई किसी ने गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, गरीब के राशन पर, गरीब के पेंशन पर, गरीब की स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब के मकान पर, गरीब के शौचालय पर, गरीब की जमीन पर अगर किसी ने जबरन कब्जा करने या डकैती करने का प्रयास किया तो उसकी जगह जेल होगी और उसकी संपत्ति जब्त करने का कार्य भी करेगी। ये इसलिए जिससे देश के अंदर 2022 में देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा उस समय इस देश में कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की स्थिति में न रहे बल्कि वो अनुसार जीवन व्यतीत करता हुआ दिखाई दे। तो एक एक शौचालय उपलब्ध कराएंगे यह कार्य जहां भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया। हमारी सरकार ने प्रदेश में 2,60,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया। वही साथ ही साथ नारी गरिमा का प्रतीक भी है ये शौचालय क्योंकि मादी के पद श्रीमती बच्चू परिणाम के निवारण के लिए 278,12,25,000 है का लोकार्पण आपकी शुभ कर्म द्वारा करने की कृपा करें और इसी प्रकार 17 परियोजनाएं हैं जिनकी लागत रुपए 215,14,000 है का भी शिलान्यास आपके शुभ कर्म द्वारा किया जा रहा है। ते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें महिलाओं की भी संख्या है और पुरुषों की भी संख्या है, लेकिन क्या ये पीड़ित मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे और अपनी पीड़ा को सुना पाएंगे? अब यह कुछ कह पाना
मुश्किल है। फिर हाल आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरी घटना में क्या क्रम चला और क्या पीड़ित को न्याय मिलने का आश्वासन मिला। कैमरामैन विजय के साथ सर्वेश गुप्ता अम्बेडकर।